हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ प्रियंका। सुबह सुबह के 5:30 बज चुके हैं, हमेशा की तरह उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैंने बिस्तर समेट दिया है और आज तो मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो रही थी रात को और फिर उन्हें कहीं जाना भी था, इस वजह से बहुत ज़्यादा नींद खराब हुई। पर फिर भी सुबह उठना ज़रूरी था, इसलिए उठ के ब्रश व्रश कर लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज सुबह की, जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। वैसे मुझे हमेशा टाइम नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा कभी कभी कर लेती हूँ मैं। और इसके बाद फिर मैं आज डायरेक्ट बना रही हूँ चाय, क्योंकि इसमें जो कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, सर्दी जुकाम और गले में खराश भी हो रही थी, जो कि अभी आपको मेरी आवाज़ में भी महसूस हो रहा होगा। तो मैं तो ठीक थी, बट उसके दूसरे दिन मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है। आजकल 2-3 दिन से कोल्ड हो रखा है और इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो ये उस दिन की वीडियो है जो मैं आज इसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने काली मिर्च अदरक इलायची वाली चाय बना दी थी सुबह सुबह, और फिर मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ फ़ैन। तो दवाई लेनी है हस्बैंड जी को, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने दवाई मंगा ली थी। तो खाली पेट दवाई नहीं लेते, इसलिए फ़ैन ले लेंगे हम दोनों के लिए मैंने बना ली। मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वैसे मैं ठीक थी, मेरी तबीयत बाद में ख़राब हो गई। बट फिर इसके बाद हस्बैंड जी चाय हम दोनों दो साथ में पी रहे हैं, और इसके बाद बाकी के काम हम फिर करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता ना, जिस दिन घर में किसी की तबीयत ख़राब हो या हमारी तबीयत ख़राब हो, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड जी को दे दी है दवाई और वो थोड़ी देर आराम करेंगे, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और इसके बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पे बिंदी बिंदी लगा ले रही हूँ, सिंदूर विंदूर भर ले रही हूँ। और कुछ बैंगल ऐसे थे ना जो मैंने पहने थे, बहुत ही कच्ची चूड़ियाँ आएंगी, इसमें से बहुत सारी चूड़ियाँ ना टूट गई थी और चटक गई थी, इसलिए मैंने इनको चेंज कर ली है। फिर इसके बाद मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, तो यहाँ थोड़ी सी सफाई करके यहाँ का जो है पूजा पाठ कर लेते हैं। और आज का दिन मैं बताना भूल गई, आज है संडे। तो ये संडे का ब्लॉग है जो कि इतने लेट में जा रहा है, और आज ना मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, मुझे पता भी नहीं। आज वैसे ही हम लोग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी और पता भी नहीं था कि घर से मम्मी और बेबी आने वाली है, तो ये मुझे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी तक मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेहमान आने वाले हैं, और मैं अपने काम में बस जैसे लगी रहती थी वैसे लगी हूँ। तो पूजा वूजा मैंने यहाँ पे कर ली है, इसको मैं समेट के रख दूँगी, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो नाश्ता हम आज ना बाद में बनाएंगे आराम से, क्योंकि संडे का दिन है, सभी लोग घर में हैं, इसीलिए जो है झाड़ू पोछा ये सब कर लेंगे। तो मंदिर का मैंने ना पहले निपटा लिया था, क्योंकि दिया या ना सुबह टाइम पे जल जाए तो अच्छा लगता है, और ये झाड़ू वाड़ू अगर मैं साथ मारती तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फिर यहाँ से मारने के बाद मुझे बाहर वार लगाना, सफाई फाई करना। अब मैं जो है ना सब साथ में करते हुए चलूँगी, इसीलिए पहले मैंने मंदिर का दिया जला के जो है पूजा पाठ कर ली थी। अब यहाँ कमरे की झाड़ू वाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई। इस वाले रूम में लगाने के बाद यहाँ आ चुके हैं बाहर लॉबी की तरफ, और सोफ़े के कवर अवर तो मैं हमेशा की तरह कभी रात को झाड़ लेती हूँ, आज मैंने पहले झाड़ के दरीज वगैरह सारी उठा के रख ली थी। और इसके बाद यहाँ लॉबी पे, दोनों रूम पे लगाने के बाद लॉबी पे लगा लिया है। ओने कोने में अच्छे से बैठ बैठ के झाड़ू अच्छे से लग जाता है, क्योंकि ओने कोने में चले जाता है, कभी होता है ना ओने कोने में घुस जाते हैं, पंखा चलता है, तो इसलिए बैठ के झाड़ू लगाने से ना सारे निकल जाते हैं। तो अंदर किचन किचन में लगाने के बाद फिर मैं चुकी हूँ बाहर की तरफ, और मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे वहाँ तो ये हो चुका है कि रोज़ बारिश ने आना ही है, और फिर गमलों से मिट्टी विट्टी निकलती है, और बारिश से ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल वूल सब यहाँ पर, और यहाँ से सीधे अंदर चले जाती है, तो बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये मतलब एक दिन में 2-3 दिन बाद सफाई करते रहना। तो आज मैं यहाँ पे लगाऊंगी पोछा, मैं कभी पानी भी मार लेती हूँ, तो पानी हानी भी मार लेती हूँ। पोछा लगाने से ही होता है कि अच्छे से घिस घिस के साफ भी हो जाता है, इसीलिए कभी मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो इसके बाद बाहर की सफाई करने के बाद फिर मैंने अंदर का पोछा लगा लिया था। गाइस मैंने दिखाया नहीं, बट मैंने अंदर का लगा लिया है, और मैं आ चुकी बाहर की तरफ। तो बाहर भी मैंने जो है यहाँ पर पोछा ओछा लगाने स्टार्ट कर दिया है, और अभी थोड़ी देर में मुझे पता चलेगा कि बेबी लोग आने वाले हैं, तो इस सुबह की गाड़ी से आने वाले हैं, मतलब पहुंच जाएंगे 9-10 बजे तक। उनका फ़ोन आया था कि हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए फिर मैं फटाफट से, फिर यही होता है ना कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो बस फटाफट से काम हो जाए, तो इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी से अपना हाथ तेज़ चलाने लगूँगी काम के लिए।
सुबह बाहर का झाड़ू पोछा, अंदर का झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी भी एक दो काम बचे थे, जैसे यहाँ पे चादरें वादरें मैंने लगाई नहीं थी, झाड़ के बस उठा समेट ली थी, तो मैंने कहा चलो बाद में फिर आराम से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी, इस वाली को मैं चेंज कर दूंगी, दूसरी वाली लगाऊंगी, ये वाली लगाऊंगी बेडशीट, और उधर भी चेंज करके मैंने अच्छे से बिछा दिया। तो कंघी से इसको मैं अच्छे से वो कर लूँगी, अंदर को दबा लूँगी, इससे ना कंघी से अगर ऐसे करने से जो है टाइट टाइट बिछ भी जाती है और निकलती भी नहीं है। तो दोनों इसी तरीके से मैंने अच्छे से लगा लिया है, और मम्मी लोग भी पहुंचने वाले हैं सुबह की, सुबह वाली गाड़ी से वो लोग निकल गए थे, तो उन्हों 10:30 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। तो उनके आने तक मैं जल्दी फटाफट से ये काम कर लेती हूँ ना, बाकी और साफ सफाई का काम तो कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद मैं एक चक्कर नीचे जाऊंगी, वहाँ भी कल मैंने पोछा लगाया था, बस आज मैं झाड़ू मार के आऊँगी। वैसे मैं देखती हूँ एक झटका लगा ही लूँगी पोछा, क्योंकि जितना घर साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा है इसीलिए। तो इससे पहले फिर मैंने वो वाला काम कर लिया, फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ, तो दूध आ चुका था, एक साइड मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैं बना रही हूँ रोटी। तो सब्जी बनी हुई है और मैं खाली रोटी बना रही हूँ। सुबह इस रोटी भी मेरी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी, तो फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी को मैंने फ़ोन किया था, वो लोग घर से नाश्ता करके आए थे, इसीलिए हम ही लोग बचे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया है। सभी के नाश्ता करने के बाद फिर मैंने फटाफट से बर्तन भी धो लिए हैं, यहाँ पे साइड में मैंने पानी निकलने के लिए रख दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेरी चल रही है हल्की फुल्की सफाई हमेशा की तरह, कपड़ा पड़ा गैस ऐसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, सिंक अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैंने रात को दाल भी भूखी रखी थी कि मैं ये बनाऊँगी, मैंने भट्ट भी खा के रखे थे कि मैं इसकी डुबकी बनाऊँगी, तो मगर अभी अब मैं ये नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भी लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से हम लोगों के हिसाब से थोड़ी सी भी हुई थी, बट वो लोग आ रहे हैं तो अब हम लोग काफ़ी जने हो जाएंगे, तो हम लोग 6-7 जने हो जाएंगे, और ये दाल जो मैंने भिगोई है ये कम पड़ जाएगी, इसीलिए मैं फिर दूसरी वाली बनाऊँगी, तो इसको फिर कभी बना लेंगे। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर हल्का हल्का सफाई वफाई कर लेती हूँ, कपड़ा वपड़ा मार लेती हूँ इधर वाली साइड, और इसके बाद फिर मैं दूसरी वाली साइड यहाँ पे एक एक हाथ मैंने यहाँ पे मार के अच्छे से सुखा लिया है। सो गाइस फाइनली किचन विचन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और बाकी झाड़ू पोछा साफ सफाई का सब कुछ हो चुका था, चादर वादर सब कुछ यहाँ पे लगा दिया, बस एक रूम के भी और बची है, अभी मैं लगाऊंगी वहाँ पे। और ये भी किचन भी साफ सुथरा हो चुका है, देखिए इन बर्तनों को मैं अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, इसके बाद मैं सोची इन दरीज को ना बिछा देती हूँ, तो यहाँ पे एक बार और ठीक कर दे रही हूँ। खाना ना खाते समय ये लोग उठते बैठते हैं ना तो खिसक जाता है, इसीलिए एक बार और लगा लिया है मैंने, इधर चेक कर ले रही हूँ, अच्छे से दबा ले रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे दो दरीज पतली सी यहाँ पे बिछा दी है मैंने, ये वाली दरीज सही रहती है चौड़ी वाली से, चौड़ी वाली भी है मेरे पास, अब विंटर में देखेंगे बाद में, ये पतली है ना तो ये सही रहता है, उठा के सफाई वफाई करके वो कर लो, टाइम भी नहीं लगता, वरना अंदर बड़ी बड़ी दरीज में फिर ये तो ना सोफा वोफा के अंदर घुसाने पड़ते, फिर निकालना पड़ता है, इसलिए तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, कमरा हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये देखिए। इसके बाद मैं चलती हूँ अपने वाले रूम पे, तो वहाँ पे ये दरीज लगा लेती हूँ। मेरी वहाँ की बेडशीट मैंने पहले बदली थी इसलिए मैंने इसको नहीं बदली, बस हाँ पिलो कवर मुझे अभी लगाने हैं यहाँ पे, मैं भी आऊँगी फिर लगाऊँगी। इसके बाद मैं इस साइड आ चुकी हूँ, तो यहाँ वाला एरिया ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कोई भी छोटा मोटा सामान होता है तो इस मेज के ऊपर रख देते हैं। तो स्टडी टेबल है, अनसो स्टडी यहाँ पे करता नहीं क्योंकि टीवी है और शोर शराबा होता है, इसलिए कभी वो नीचे चले जाता है, नीचे शांत रहता है, और कभी वो दूसरे वाले रूम पर जाके पढ़ाई करता है। इसके बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ, ये पिलोज मैंने सारे धो के, जो पिलो कवर है वो सारे धो के रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसको लगा लेते हैं। और मैंने ऑनलाइन मंगाई है बेडशीट, देखो कब तक आती है, डबल बेड की मेरे पास पड़ी तो बहुत है मगर वो बेकार सी हुई, कुछ कॉटन की है, उसका कलर निकल चुका है और कुछ ख़राब हो गई है। इसके बाद मैंने एक एक हाथ यहाँ पे मार दिया है कि लोग सफाई वगैरह मतलब जो भी सुबह का मेरा काम होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और घर से आ रही है मम्मी और बेबी, क्योंकि कल दीदी लोगों के वहाँ है पार्थी पूजा, तो इस बार दीदी लोग दे रहे हैं भंडारा, इसलिए
यो मैं पढ़ लिया। हाँ। अभी और पढ़ोगे? ठीक है, अभी थोड़ी देर बात कर तो वो लोग भी पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, इसीलिए मैं थोड़ा आज जल्दी जल्दी काम निपटा ली थी। फिर वो लोग आ जाएंगे ना, फिर मैं उनके साथ पहुंच जाएंगे ना, फिर मैं उनके साथ ही ऐसे ही रह जाऊंगी, इसलिए मैंने फटाफट से जो है काम हम निपटा लिया। अब अभी भी मेरा काम बचा हुआ है और मेरा लास्ट नहीं दो काम और बचे हुए हैं। पता नहीं बेटा बहुत गलत बात है, मैं यहाँ करते करते थक जाती हूँ। आप लोग एक चीज जगह पे नहीं रखते हो कभी भी, मैंने कर देते हैं लोग एक चीज भी ये लोग ढंग से नहीं रखते हैं। मतलब अभी मैंने सब कुछ इतनी मेहनत से बिल्कुल फिट फाट कर रखा है ना, थोड़ी देर में आप देखना कोई चीज, मतलब सोफे के कवर उधर मिलेंगे, चीजें इधर के उधर मिलेंगी। ये क्या हो गया, मौसम ठंडी ठंडी हवाई चल रही है, इतना प्यारा हो रखा है ये। कैसी लगी है सच में? आ गए देखो गाइस, हम लोग आ चुके हेलो। मम्मी आपको करने का विचार नहीं है क्या? मतलब सरप्राइज देना चाहती थी मुझे, ठीक है? बिगाड़ दिया इन लोगों ने, मुझे पहले ही बता दिया। सो गाइस, इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ ही था कि घर से ही मम्मी और बेबी आ चुके हैं। तो बेबी जो है आप जानते होंगे, मेरी भतीजी है और मम्मी को तो देखा ही होगा, यानी मेरी सास। तो ये तीन जने आ चुके हैं, अभी जस्ट अभी भी पहुंचे हुए हैं। तो ये है सेवांश। जो पसंद है पापा को, जो पसंद, जो वाली अच्छी है। कोई बात नहीं, खाने दे तू उसको। सामान लेके आयो अपने, वो दाल लेके आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। सुबह देखते देखते इतनी ज़्यादा बारिश हो गई ना बाहर, बहुत तेज़। जैसे मम्मी लोग पहुँचे और उसके थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई। फिर थोड़ी देर उनके साथ बैठे रही मैं, वो लोग नीचे बैठे हैं सभी लोग और मैं भी बैठी थी अभी तक। उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी ऊपर, मैंने खाना वाना बनाना था, दोपहर का टाइम भी हो चुका था इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है, दाल बनाई है और दोनों को मैंने वो कर लिया है, खाली कर लिया है और खाली चावल नहीं किया है। और साथ ही में मैंने खाना लगा दिया है हम सबके लिए, दाल रोटी चावल सब्जी। तो यहाँ पे हम लोग सभी जने मिलके खाना कर रहे हैं। हिमांशु नहीं खा रहा है, हिमांशु शाम को खाएगा। खाना ना खाने के बाद यहाँ पे हम लोगों की चल रही है गप्पे। ये देखे, हाय गाइस। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं, 5:30 बजने वाले होंगे अभी। और अभी हम करेंगे शाम की तैयारी। तो दोपहर में फिर खाना ना खाने के बाद बातें बातें की, खूब सारी मस्ती की और आज का दिन का ना पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन निकल गया। और फाइनली शाम हो चुकी है, दिन भर हमारे यहाँ बारिश है, सबके सब गए हैं, खाली मम्मी मैं हस्बैंड जी हम तीनों बचे हैं, बाकी सब लोग गए हैं दुकान में खाने पीने के। तो हम तो खा नहीं सकते इसलिए हम घर में हैं। तो अभी हम करेंगे बाकी शाम की तैयारी खाने पीने की। सो गाइस, इसके बाद मैं काट रही हूँ यहाँ पे सब्जी और हम तीनों की चल रही है बातें, काफ़ी दिन बाद मिले हैं ना इसीलिए। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।